We are basically focused on the technologies and the most advanced technologies that would expect to change the future of this world. So humne un technologies ko in the light of biology, in the light of life sciences, discuss karna hai. Theek hai? So first of all, it's a bio nanotechnology. Agar hum bio nanotechnology ki baat kare, to by using this whiteboard. Okay, so first thing that is very important, that is bio, and the other is a nano, and the third term in this terminology, the third part is technology. So basically we divide in three main broad areas, that is a bio, other is a nano, and the third is technology. And I don't think there's need to explain this term, that is a bio. Simply means that we know that life is so amazing, created by God Allah Almighty. And when we zoom in to the nanometer level, agar hum isko nanometer levels ke apne life sciences ko ya bio levels ko jaake dekhe, we know that there are number of different agar hum cells ki baat kare, they're very small in their diameters, theek hai? And when we go in more detail, in more depth, then there's a DNAs, and we know that DNAs ko jo size hai wo nanometers mein hai. Proteins ki hum baat karte hain, in the same way there are some sugars as well as the fats and all the different cellular components. So that's why this biology is all about our living cells. कि हम इन लिविंग सेल्स में या हमारे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं विद इन अवर सेल्स, देयर आर कंपोनेंट्स बेसिकली कंपोज ऑफ जीन्स, डीएनए, प्रोटीन्स, आवर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. अगर इनकी हम बात करें तो नेचर हैज गिवन अ वर्सटाइल बिल्डिंग ब्लॉक टू अस, एंड इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड के ये अल्लाह ताला ने हमारे जो अंदर कोडिंग की हुई है एंड द लैंग्वेज ऑफ अवर जेनेटिक मटीरियल, दैट इज ATCG. ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल की जो लैंग्वेज है इसको हम किस तरीके से हमारा सिस्टम कोड करता है, रीड करता है, एंड अल्टीमेटली एट द एंड इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन्स, एंड अल्टीमेटली एट द एंड दिस ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम इज एबल टू सस्टेन इज अवर सस्टेन अवर लाइफ. इट मीन्स दैट के इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए अगर हम इन डेप्थ जाके बात करें तो हमारे सर्वाइवल्स के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑल दिस मेंशन डीएनए, प्रोटीन, शुगर्स, फैट्स. और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं, दीज आर एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स हैं हमारे पास डेट प्ले अ वेरी कंट्रीब्यूटिंग रोल टू लिव ऑन दिस प्लेनेट. ठीक है, तो लाइफ में अगर बात की जाए, अगर हमने बात की यहाँ ह्यूमंस के बेस पॉइंट पे, इन द सेम वे अगर बायोलॉजिकल सिस्टम पे लाइफ साइंसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो देयर वुड बी अ माइक्रोब्स, देयर वुड बी अ प्लांट्स, वायरसेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ. वो एक्वेटिक सोर्स भी हो सकती है, एग्रीकल्चर की सोर्स भी हो सकती है. तो दैट्स वाई द फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे बात की टू डिफाइन और टू एक्सप्लेन दिस टर्म, that is a nanobiotechnology. उसमें biology क्या है, biology means all about a life sciences. ठीक है, उसमें cells और cells की हम बात करें तो cells are present in plants, cells are also present in animals and humans, microbes की हम बात करें, aquatic organisms की बात करें, तो हर जगह पे ये cells present हैं. ठीक है, तो if there is some application or impact of a life sciences or a cellular मटीरियल विद नैनो टेक्नोलॉजी, तो उसको हम बायो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन टू सम स्टूडेंट्स इज अ न्यू नैनोमीटर और अ नैनो टेक्नोलॉजी. अब नैनो की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, टेक्नोलॉजी की अभी नहीं. ओके, व्हाट मीन बाय दिस नैनो? जी बेटा रहीला, आपने हैंड रेज किया, आई थिंक आपका माइक ऑन नहीं है.
रहीला बेटा अपना माइक चेक कर लें, वो ऑन नहीं है। ओके चलिए, मुझे अब आती है वापस तो फिर से पूछ लेते हैं। ओके अगर हम नैनो की बात करते हैं तो बेसिकली दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम नैनोमीटर। एंड व्हाट इज अ नैनोमीटर? इट्स अ वन बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर और अ वन मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनोमीटर्स की, तो नैनोमीटर्स इज बिलियंथ ऑफ मीटर। इट मींस दैट वी हैव टू गो एट अ वेरी डीप लेवल टू टच दिस थिंग दैट इज अ नैनोमीटर मटेरियल्स और नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स। इसमें हम नैनो या क्वांटम डॉट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी नैनो का वर्ड यूज होगा। इट मींस दैट अ थिंग दैट हैज अ साइज लेस देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ अगेन इन अ वेरी सिंपल वे के अ पार्टिकल अ थिंग अ मटेरियल दैट हैव साइज लेस देन 100 नैनोमीटर इन साइज एंड मोर प्रिसाइजली साइज से ज्यादा हम डायमीटर को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर उसका साइज या डायमीटर लेस देन 100 नैनोमीटर है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये नैनो मटेरियल्स हैं एंड दीज नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड विद आर यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ डिसिप्लिन्स। वो इंजीनियरिंग हो, वो मैकेनिकल हो, वो आपके पास लाइफ साइंसेज है, वो एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, बायो वेपन्स है। ठीक है, इट मींस दैट नैनो मटेरियल्स मटेरियल्स एट अ नैनो लेवल आर मटेरियल्स दैट हैव अ साइज लेस देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, उनको हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, सिंपली इसको मैंने क्या कहा, 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर और इन अदर टर्म 1 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स, इट मींस दैट सिंपली वी हैव टू गो एंड प्ले एट अ वेरी बेसिक लेवल। और वो लेवल कौन सा है, वी हैव टू प्ले टू डिजाइन थिंग्स और मटेरियल्स एट एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वी हैव टू डिजाइन थिंग्स, डिजाइन मटेरियल्स, डिजाइन अवर डिजायर्ड, कुछ भी आपका है हम उसको डिजाइन करेंगे एट एटॉमिक लेवल। दैट इज अ नेचुरल लेवल ऑफ लाइफ, कि हमारे जो लाइफ की ओरिजिन है स्टार्ट फ्रॉम एटम्स, ठीक है, फ्रॉम अ सेल्स। तो एटॉमिक लेवल पे जाके द थिंग्स बिहेव इन अ एंटायरली डिफरेंट वे। सपोज दैट अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल आपसे शेयर करूं अबाउट द इमर्जिंग are a very effective or a significant impact of nano materials ke things that have a size in nanometers. to agar main example aapse discuss karun, suppose that ke aapke paas ek thing hai, ek object hai koi, agar hum kehte hain isse ab in iske size ki baat kare to ye bulk material hai, lekin jab hum isko convert karenge from a bulk material into a very tiny material, bulk se bahut hi tiny materials pe jab hum convert karenge to what will happen, not only size change, उसका size just change नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, for example हम इस size पे लेके चले जाते हैं at this very basic size, ठीक है, क्या होगा उसकी properties, उसके features वो भी change हो जाएंगे। ठीक है, तो that's why these as well as इसका color B, suppose that in the bulk form एक कोई आपके पास material है and it has a yellow color or a golden color, ये हम गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं, एक बल्क अमाउंट और बल्क फॉर्म दैट इज विजिबल विद अवर नेकेड आई, हम उसको देख सकते हैं वो गोल्डन कलर में है, लेकिन जब उसको हम नैनो मटेरियल्स की फॉर्म पे लेके जाएंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई, और वो प्रॉपर्टीज चेंज क्या होंगी, वो डिक्लाइन की फॉर्म में चेंज, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर डिजायर्ड फंक्शंस। ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूल सेल्स,
कि अगर हम नैनो बेस पे, नैनो मटेरियल्स की बेस पे अगर कोई सेल्स बनाएं तो उसमें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अ मटेरियल जो कि बल्क साइज का है वो बहुत ज्यादा होगी. तो दैट्स वाई एट अ नैनो स्केल थिंग्स ऑल द मटेरियल्स हैव टू गिव अ वेरी यूनिक एंड अपलिफ्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. तो सेकेंड थिंग जो मैंने डिस्कस की इज अ नैनो. ठीक है, तो आई थिंक दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि बायो क्या है एंड नैनो क्या. एंड द लास्ट इज व्हाट मीन बाय दिस टर्म दैट इज टेक्नोलॉजी. अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या है एज अ नॉलेज ऑफ साइंस एज वेल एज अ नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस बेसिक डेफिनेशंस को खत्म कर रहा हूँ. फिर हम आपसे क्वेश्चनिंग कुछ है तो वो डिस्कस करेंगे. इट्स अ नॉलेज ऑफ साइंस प्लस इंजीनियरिंग एंड प्लस देयर इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. और भी बहुत सी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बट इट्स श्योर दिस इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंसेस, दिस इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस, एनिमल साइंसेस वुड and is a next wave of a life. It's better to say it's already into a, we are already into this wave. Aur agar hum baat kare apne surrounding materials ki, suppose that ki aapke haath mein ek mobile hai, theek hai, and uska size kya hai, it's just due to the advancement of a nanotechnology ke size ko bahut shrink kar diya gaya hai, and it's all the game of a size. कि साइज कम करने से जो हमारे नॉर्मल माइंड में एक चीज आती है कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होनी चाहिए. बट द थिंग्स आर हैपेंड इन अ वेरी यूनिक वे. व्हेन यू गो एट अ वेरी डीप लेवल दैट इज एटॉमिक लेवल, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम नहीं होती, वो और ज्यादा एनहांस हो जाती हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नंबर ऑफ नैनो रोबोट्स आर प्रेजेंट जो कि नैनो साइज में हैं. आपके अगर हम सिंपली बात करें The first ever processor जो कि दुनिया में बनाया गया था वो एटलीस्ट 7 to 8 rooms में था, लेकिन आज जो processor है आपके हाथ में, आपके सेल फोन में, वो just on आपके फिंगर पे वो एक processor आ जाता है. और बल्कि वो एक processor नहीं है. Things of students जिनको थोड़ा technology का ज़्यादा knowledge है, now that कि आजकल जो हमारे पास cell phones आ रहे हैं वो octa cores हैं, and we know that octa means 8. तो मीन्स दैट कि हमारे पास जो आपके पास इट्स जस्ट ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कि आपके जो सेल फोन्स हैं वो 8 कोर्स हैं. मीन्स दैट कि एक प्रोसेसर, एक चिप के अंदर 8 डिफरेंट प्रोसेसर्स एम्बेडेड हैं. एंड इट्स ऑल ड्यू टू द दिस एडवांसमेंट. इन द सेम वे हम अगर मेडिसिन की बात करते हैं, हम MRI मशीन, CT स्कैन and there's a number of different agriculture products, आगे मैं बात करूंगा, तो वो नैनो साइज पे, नैनो स्केल पे उनको डिजाइन किया जाता है in order to get a maximum benefit. ठीक है, तो now the session is open for your discussion. इसमें अभी तक आप लोगों को कोई confusion है तो you can ask. ज़ुबैर आपने जी सर, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जैसा मैंने पूछना था कि वो आप कलर की अभी बात कर रहे थे, तो अगर किसी चीज को हम एटॉमिक लेवल पे लेके जाएंगे तो उसका कलर तो ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा, एटम्स को कलर लेस होते हैं. यस, कलर खत्म होगा, लेकिन बेसिकली हम जो चीजों को बिल्ड करते हैं बाय गैदरिंग एटम्स वन अपॉन ईच अदर. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी तो सपोज दैट के मैंने क्या किया, ये देखें इससे एटम. ठीक है, यहाँ पे मैं एक डॉट की फॉर्म में लगा रहा हूँ. ठीक है, इन द सेम वे मैंने क्या किया कि उसके ऊपर दूसरे एटम को लगाया एंड देन थर्ड. दिस इज नाउन एज द डिजाइनिंग ऑफ अ मटेरियल एट एन नैनो स्केल. जब मैं बहुत से एटम्स को आपस में मिला के कोई भी एक न्यू सिंथेसिस करूंगा तो ऑफ कोर्स एट द एंड इट कम इनटू द विजिबल रेंज कि वो हमें नजर भी आ सके और हम उन चीजों को टच भी कर सके. बट द प्रॉपर्टीज आर टोटल डिफरेंट इंक्लूडिंग अ कलर एंड द एनर्जी स्टोरेज एंड द डिफरेंट थिंग्स. हाँ, ऑफ कोर्स वी आर डिजाइनिंग थिंग्स एट दिस लेवल
लेकिन हम देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो हम बॉटम अप की तरफ जा रहे हैं, मींस के बॉटम अप मींस दैट कि फ्रॉम अ वेरी स्मॉल साइज हम लार्ज साइज की तरफ मूव कर रहे हैं। स्मॉल में एक था, फिर हम एक दो दो को एटम्स को अपनी डिजायर की बेस पे हमने उसको अटैच करते जाएंगे, एंड एटम्स वो भी कंबाइन होकर एक बल्क फॉर्म में वही मटीरियल बन जाएगा, ठीक है। बट द प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट, एंड वी विल डिस्कस ऑनवर्ड विद फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है बेटा जी सर, थैंक यू जी। बच्चों एनीथिंग एल्स, यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके। तो सिंपली इट मींस दैट अ बायो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जब हम इस पे बात करते हैं तो नैनो मींस दैट एट अ वेरी स्पेसिफिक लेवल, दैट इज अ नैनोमीटर, एक एट अ वेरी स्पेसिफिक नैनो स्केल लेवल। बायो मींस दैट बाय यूजिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लाइफ, जिसमें हमारे पास डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, शुगर्स, फैट्स, एंजाइम्स, पॉलीमरेज़, हम इनको यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर, अ न्यू एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ ह्यूमैनिटी। एंड जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, ट्राई टू यूज इन अ वेरी न्यू वे फॉर अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन, ठीक है। हम को कंबाइन कर देंगे एंड अल्टीमेटली हम उसको फर्दर यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने वही बताया कि 1 billionth ऑफ अ पार्ट, इसको हम 10^-9 जो कि नैनो स्केल को हम आइडेंटिफाई एंड नोट करते हैं। इट हैव अ डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस, अगर हम बात करें एट मेडिसिंस एट लेवल ऑफ दिस चिप्स, अगर हम सीपीयू या बायो चिप्स को डिजाइन करते हैं, सिंपल चिप्स को डिजाइन करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे, तो दिस नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो बायो टेक्नोलॉजी प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल। व्हेन वी डिस्कस अबाउट अवर डीएनए, वी नो दैट अवर डीएनए इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बायोलॉजिकल सिस्टम, हैज 4 बेसिक यूनिट्स, ए, टी, सी, जी। अगर हम इसकी बात करें डीएनए की, इट हैज ओनली 2 nanometers इन डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर 2 nanometers है, तो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई थी कि व्हेन द थिंग्स कम इन द रेंज दैट इज लेस देन 100 nanometers, तो उनको तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल अ डीएनए एज अ नेचुरल नैनो मटेरियल। क्लियर? इन द सेम वे one of the research already in the last decade is pe ho chuki hai, we can use this dna, hum is dna ko produce bhi karwa sakte hain, jisko hum artificial ya synthetic dna including our primers, ya fir hum by the use of our pcrs hum dna ko produce karwate hain, theek hai। Okay, ab ye jo dna hai, we can use dna to store informations, not only a genetic information, जैसे हमारे पास यूएसपीज हैं, हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, इन द सेम वे डीएनए को इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोरेज के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट मींस दैट दिस इज ऑल अबाउट टू प्ले एट वेरी बेसिक लेवल, दैट इज एटॉमिक लेवल और नैनोमीटर स्केल। नैनोमीटर पे जाएंगे तो द बिहेवियर ऑफ दिस होल डीएनए इज डिफरेंट, ठीक है। तो अभी इस पे भी काम किया भी जा रहा है, ऑलरेडी हो भी चुका है कि इसको हम डाटा को स्टोरेज के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। ओके, वन ऑफ द वेरी फेमस पेपर जो कि 2006 में नेचर में पब्लिश हुआ था अबाउट डीएनए ऑर्गेमी। डीएनए ऑर्गेमी में बेसिकली उसने क्या किया था कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज किया था टू बिल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ 3D शेप्स, ठीक है। इस पेपर का बेसिक जो टाइटल है, इट्स द फोल्डिंग डीएनए टू क्रिएट अ नैनो स्केल शेप्स एंड पैटर्न्स, मींस दैट हम डीएनए को एक नैनो लेवल पे अगर फोल्ड करेंगे तो वी कैन चेंज इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ शेप्स और अ पैटर्न्स, और उसको हम यूज भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एक जो आपकी ये टास्क है, इट्स नॉट अ रिटन असाइनमेंट्स, इस पेपर को आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। मैं जल्द सिंपली आपको बता देता हूँ कि सिंपली आप 2006 लिखेंगे एंड फोल्डिंग डीएनए टू क्रिएट नैनो स्केल शेप्स, सपोज दैट मैं आपको दोबारा से लेके जा रहा हूँ।
जी 276 नेचर फोल्ड डीएनए इनटू शेप्स, तो ये पेपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेपर को बेटा आप लोगों ने देखना है, स्पेस ने क्या काम किया था, ठीक है। इसको बेसिक्स आपने पढ़ना है एंड देन हम इसको नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट, हम इसी नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे इन टू लेक्चर्स, बिकॉज वेरी एडवांस एंड अ वास्ट फील्ड, विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल लेक्चर वी नॉट एबल टू कवर इट, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है टू रीड दिस आर्टिकल। एज वी सेड कि हम जब भी नैनो मटेरियल्स पे काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वी रिक्वायर्ड अ टूल किट टू वर्क ऑन इट। हमने या इफ आई असाइन यू अ टास्क टू डिजाइन अ नैनो मटेरियल, तो आप वो नैनो मटेरियल डिजाइन कैसे करेंगे, आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो टूल्स क्या हैं, ठीक है। सपोज दैट कि इज वेयर, बेटा एक मिनट, हम अगर नेचुरल टूल्स की बात करते हैं, जैसे आई ऑलरेडी गिव यू एग्जांपल ऑफ अ डीएनए, तो वी हैव अ नेचुरल टूल किट। वो नेचुरल टूल किट क्या है, इट्स अ लाइगेज, देयर इज अ पॉलीमरेज, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये नेचुरल टूल किट्स हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एट अ वेरी नैनो एट अ वेरी नैनो लेवल ये बायोलॉजिकल टूल किट्स जो हैं, लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड देन हमारे जो प्रोटीन्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है एट अ वेरी नैनो एंड टाइनी लेवल्स, उसको एक प्रिसाइज फंक्शन परफॉर्म करने में, दैट्स व्हाई आवर ऑर्गन्स आर एबल टू परफॉर्म देयर डिजायर्ड फंक्शंस एंड वी आर एबल टू लिव। तो देयर सम नेचुरल टूल किट्स एज वेल एज जो कि हम अपनी लैब्स में टूल किट्स को यूज करेंगे, और एट द एंड में इसके बारे में भी टूल किट्स के बारे में मैं आपको डिटेल से आज बताऊंगा कि देयर आर 8 to 9 टूल किट्स जिसको इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू डिजाइन अ नैनो स्केल मटीरियल्स। कि एट अ नैनो स्केल अगर हमने मटीरियल यूज करने हैं तो ऑफ कोर्स हमें फिर ये थोड़ी वगैरह नहीं चाहिए, हमें फिर ऐसे मटीरियल चाहिए दैट आर एबल टू कट द थिंग्स एट अ नैनोमीटर, दैट आर एबल टू पॉलिश द थिंग्स एट अ नैनोमीटर स्केल। तो दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स वी रिक्वायर द टूल्स। आई एम जस्ट एट दिस पॉइंट गिव यू एग्जांपल कि जो नेचुरल टूल किट्स कौन सी हैं हमारे पास। नेचुरल टूल्स हैं उसमें एंजाइम्स का हमने जिक्र किया था, जिसमें लाइगेजेस हैं, पॉलीमरेजेस हैं, देयर आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए को हेल्प आउट करते हैं टू सस्टेन द प्रोसेस ऑफ अ सेलुलर डिवीजन एंड टू सस्टेन ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। तो टूल किट्स एक नेचुरल मैंने बताई है, बाकी जो लैब्स में यूज की जाती हैं वी विल डिस्कस in the next phase. Okay, it's just a quick overview, then phir aage main discuss karunga agriculture, biotechnology aur nanotechnology ka applications kya hain. Nanobiotechnology is known as the future of a human being, and there's no doubt ki agar hum nanotechnology aur life sciences ki baat karein, aur currently abhi bhi maine last lecture mein bhi kaha tha ki these are two very emerging disciplines जिनको कहते हैं कि जिसने दुनिया के फ्यूचर को शेप करना है। द फर्स्ट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड द अदर इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द वेरी इमर्जिंग फील्ड, जिसको मैंने ऑलरेडी कहा कि वी आर ऑलरेडी इन द वेव ऑफ अ नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर डिजाइंड एट अ वेरी नैनो लेवल, क्लियर। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी जस्टिफाइड टू से दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नैनो बायोटेक्नोलॉजी। व्हाई वी आर डिस्कसिंग विद सम एग्जांपल्स इन दिस लेक्चर एंड इन अ कमिंग लेक्चर, ठीक है। ओके, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि एज अ ह्यूमन वी आर लिमिटेड बाय आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज वी आर ओनली सी इन दिस रेंज जिसको हम विजिबल वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमें जस्ट इस रेंज में दिखा रहा है, एंड वी सपोज दैट कि जो हमें नजर आ रहा है दुनिया में वही चीज एग्जिस्ट करती है, बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। रियलिटी इज दैट कि अगर हम इस होल, वी आर जस्ट एबल टू
look in this visible regions. ठीक है, हम इस visible, ये जो visible region है, that is 10 raised to power 13 to 10 raised to power 16 and half. हम इस रेंज में जस्ट देख सकते हैं चीजों को. What about the things that are very small and with the help of our naked eye हम उनको नहीं देख सकते. ठीक है, there some regions जिनको हम x-rays हैं, gamma rays हैं, we not see these radio spectrums हैं. ठीक है, infrared है, UV regions हैं. ठीक है, तो हम उन regions में जाके उन चीजों को ना देख सकते हैं, ना ही उनको सुन सकते हैं. That's why मैंने एक term use की कि as a human beings we are limited by our biological system. It means that कि हमारी जो आंखें हैं हमें limit कर रही हैं कि हम just इन चीजों को देख रहे हैं जो कि हमें विजिबल हैं. एंड वी सपोज दैट देयर ओनली थिंग्स आर प्रेजेंट. अगर मैं रूम में बैठा हूँ और मुझे आई जस्ट सी दीज चेयर्स एंड सोफाज, ठीक है, या मैं अपने विंडो से बाहर देखता हूँ तो आई सा देयर फ्यू कार्स आर मूविंग एंड देयर आर सम बर्ड्स एंड माउंटेन्स या ट्रीज ये हैं. ठीक है, इट मीन दैट मैं जस्ट इनको देख रहा हूँ, बट इन रियलिटी ये सब नहीं है. रियलिटी इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, बट our biological system restrict us. हमारा biological system हमें बस वही दिखा रहा है जो हमारी senses हैं. अगर हम बात करें sense of hearing कि हम किन चीजों को सुन सकते हैं, we're not able to listen the communication between insects. ठीक है, sense of hearing की बात की. In the same way there is number of different senses. ठीक है, तो हमारा biological system limited है. And a scientist try to enhance their limitations, scientists try to enrich their senses. कि कुछ artificial senses को भी body में implant कर रहे हैं by the use of some chips जिनको हम biochips कहते हैं या जिनको nanochips कहते हैं. ठीक है, तो it's a other debate or area of discussion कि इसको हम bioethically, कुछ लोग इसको accept करते हैं, कुछ नहीं कर रहे. ठीक है, but लेकिन currently at a nano level उन chips पे काम हो रहा है. और वो अगर हम अपने आर्मी के कमांडोज की बात करते हैं या उनकी बॉडीज में भी ऐसे चिप्स को इंसर्ट किया जाता है कि उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाए, उनकी एनर्जी को, उनकी बाकी डिफरेंट लेवल्स इन दैट. कि करंटली हमारे पास डिफरेंट जो एप्स आ चुकी हैं, आपके जो सेल फोन में डिफरेंट एप्स हैं, या फिर एक हमारे पास फिटबिट क्लॉक है जिसको रिस्ट वॉच कहते हैं, एप्पल की भी आ गई हैं जिसको, दैट इज अ वेरी one of the emerging branch. इसको यहाँ mention कर दूंगा because in the next 5 to 10 years आपकी life में ये चीजें आ जाएंगी जिसको क्या कहते हैं, wearable electronics. ठीक है, इट मीन्स दैट के हम wear करेंगे just like a smart watch कि वो हमने पहनी हुई है. और वो जो वॉचेस हैं, दे हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेंसर्स. वो जो सेंसर्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम या हमारे सेल्स के साथ उनकी कम्युनिकेशंस होती है, सिग्नल्स कैच करते हैं, और वो हमारी हेल्थ के, हमारे हार्ट बीट के, ग्लूकोज लेवल एंड नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमें बता रहे होते हैं. तो दैट्स व्हाई जो करंट एरा है इस पे यूरोप में ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, पाकिस्तान में अभी काम तो नहीं हो रहा, लेकिन इन चीजों को लेके आ रहे हैं. दैट इज अ वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हम वियर करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो सेंसेस हैं वो इनहांस हो सकती हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगेन हम आगे मूव करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी. हाउ व्हाई इज द फ्यूचर. यहाँ पे हमने कहा सेंसेस हैं, हम अपनी सेंसेस को इनहांस कर सकते हैं. जैसे कि देयर आर सम सेंसेस जो हनी बीज की हैं, इन द सेम वे माउस की जो एबिलिटीज हैं हम उन चीजों को नहीं नोट कर सकते. तो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन द सेंसेस ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स और माइस एंड अदर, कि वो उनमें कौन कौन से एबिलिटीज हैं और वो एबिलिटीज किस वजह से हैं. ऑफ कोर्स दे हैव सम एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स, दे हैव सम एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. उन्हीं एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को वो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज कर रहे हैं. ठीक है, this slide already मैंने बता दिया कि what you are able to experience is limited by your biological system. means that कि हमें जो नजर आ रहा है, it's not means कि वही सारी चीजें exist हैं. हमारा biological system हमें limit कर रहा है. of course कि आपके इर्द-गिर्द बहुत से जिनात भी होंगे, दूसरी और भी चीजें होंगी, but we are not able to see in this direction or a dimension because we are limited by our
biological systems. The future of nanotechnology, how far we go and how far we can go. यहाँ पे अगर बात की जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी वारफेयर में भी यूज की जा सकती है, और ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को, इट्स अ बीम डिटेक्टर्स, इसको यूज किया गया है. यूएस नेवी ने अपने सी बेस वेपन्स में यूज किया है. ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या पर्पस है कि ये नैनो स्केल्स वेपन तो ऑफकोर्स कि ये एक बल्क अमाउंट में है, लेकिन उसको नैनो मटेरियल से डिजाइन किया गया है. ठीक है, और जो कि बीम्स की हेल्प से टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे. व्हाई गेटिंग स्मॉलर लीड्स टू हैव सम जिगेंटिक बेनिफिट्स, कि जितना हम स्मॉलेस्ट लेवल पे चलते जा रहे हैं, हमारे जो चीजों की एप्लीकेशन है, पहले हम मेगा पिक्सल्स की बात करते थे कि 2 megapixel इज अ ह्यूज थिंग, और अभी करंटली जो हमारे पास 96 लास्ट अपडेट जो मेरे तक आई है कि 96 मेगापिक्सल्स के स्मार्टफोन्स आ गए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, जो प्रोफेशनल कैमरास हैं उनकी जो मेगापिक्सल की जो एबिलिटीज हैं और ज्यादा. इट मींस दैट जो प्रोसेसर्स हैं, हम जितना नैनो लेवल्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके जा रहे हैं या जितने नैनो लेवल्स पे अपने मटेरियल्स को डिजाइन करेंगे, उनकी जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है. एंड व्हाट द रीजन क्या है, रीजन मैं एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड्स आपको बताता हूँ. ठीक है, इन द सेम वे दिस इज सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स दैट चेंज ऑल द गेम, कि ये ट्रांजिस्टर्स ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे जो भी मोबाइल कंप्यूटर्स जो आपके घर में चीजें यूज हो रही है, इसने सारी गेम चेंज कर दी. बिकॉज दिस साइज इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विद थिंग्स एट एटॉमिक लेवल्स, कि एटॉमिक लेवल पे साइज इतना कम कर दिया है. और कल भी एक न्यूज में सुन रहा था कि ऐसी वैक्सीनेशन तैयार की जा चुकी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें नैनोमीटर्स लेवल के जैसे चिप्स और बायोचिप्स जो कि लिक्विड में ही जब इंजेक्शन लगाते हैं तो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, एंड देन वो बॉडी में जाएंगे तो डिफरेंट एबिलिटीज, इवन दैट उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है. बाय यूजिंग दीस सेंसर वी कैन ट्रेस cancer cells, abnormal cells in our body, और उस abnormal cells को वो जो with the help of these nano sensors हम क्या करते हैं कि abnormal cells की ये automatically ये inbuilt जो programming की जाएगी आपके blood में, ये nano chips move करेंगी and then abnormal cells या organs में जाके cancer cells को damage करेंगी, जो कि हम at a large scale use करते थे by using a UV chemotherapy or by using radiotherapy. ठीक है, that's why जो medicines है वो भी एक next level पे चली गई है, जिसको हम nano medicines कहते हैं, by using such type of a nano devices. Okay, almost a billions of a, इससे मैंने कह दिया कि billions part होता है, लेकिन एक जो tip, एक जो chip है यहाँ पे, इस chip में भी बात की जाए तो there's a billion transistors in this chip. ठीक है, एक small chip है जो कि ऑलमोस्ट ए फिंगर, इससे भी कम साइज की है, लेकिन उसमें बिलियंस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं. इट मींस दैट देयर आर बिलियंस ऑफ स्विचेस, जो कि स्विचेस एक चिप पे बिलियंस ऑफ स्विचेस हैं जो कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ होके एक डाइवर्सिफाइड फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करके हम बहुत से अपने डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई जैसे मैंने कहा कि हाउ फार वी कैन गो बाय यूजिंग दिस नैनो टेक्नोलॉजी. इन द सेम वे ये भी ऑलमोस्ट 4 to 5 years पुरानी एक न्यूज है, आप इसको खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं. इज अ पिल कैम, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ कॉलन कैंसर. ये जो कैप्सूल लाइक स्कैम्स हैं, ठीक है, दैट्स इंडिकेट हियर के सरफेस पे हैं, जब हम लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है, और कॉलन रीजन में मूव करेगा, उसकी पिक्चर्स लेके भेजेगा, एंड देन फिजिशियंस आर इजली एबल कि वो उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सच टाइप ऑफ अ कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन पर्पसेस, एंड देन फिर इनको बॉडी से रिमूव भी किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे कैप्सूल्स अभी डिजाइन हो रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी में डिग्रेड होके वो रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये स्लाइड्स थोड़ी सी इसको मैं बेहतर करके आप लोगों से प्रोवाइड कर दूंगा. नैनो रोबोट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आईज इन्फेक्शंस, ठीक है, रेटिना ट्रीटमेंट के लिए ये नैनो रोबोट्स हैं जो कि बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईज को ट्रीट, तो ये भी करंटली इन सम एडवांस कंट्रीज इनको यूज किया जा रहा है. ठीक है,
In the same way, there's some nano structures. जैसे हम butterfly के different coloring patterns की बात करें तो ये coloring patterns क्या हैं? Basically, these structures, ये nano materials हैं जो कि by nature इनके जिसको हम wings भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये that produce a different type of patterns. इसी patterns को copy करके इसी pattern, basically ideas taken from a nature. इसी pattern को अभी utilize किया जा रहा है in a textile industry कि हम कलर पैटर्न्स को या इस चीजों को हम नैनो मटेरियल्स पे डिजाइन करें और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो जो द ब्यूटी ऑफ अ कलर एंड डिफरेंट पैटर्न्स वो एनहांस किया जाए, ठीक है? इन द सेम वे लास्ट फ्यू एग्जांपल्स कि नैनो टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट एंटायरली अ न्यू एरे ऑफ अ टूल्स फॉर कंट्रोलिंग प्रॉब्लम पीपल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जो मैंने नैनो स्काउट्स का जिक्र किया है, नैनो स्काउट्स बेसिकली क्या है? These smart nano dust or smart dust nano scouts will have to analyze the capabilities to determine the things that are present in the certain chemicals. Means that कि जब कोई भी moisture में environment में कोई भी chemical present हैं, तो these nano scout has a tendency के उस temperature को, उसकी vibrations को, उसकी उसको sense करके हमें बता देते हैं, ठीक है? तो एज वेल एज देयर नैनो पॉइजंस, इनको भी बनाया जा चुका है, वारफेयर में यूज करते हैं. द फ्यूचर ऑफ वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगेन इट्स एटम बाय एटम अरेंजमेंट्स एंड अल्टीमेटली जो कि यूज हो रही हैं वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आर कार्बन नैनो ट्यूब्स. कि हम आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं और इनको कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, ठीक है? हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री इनको यूज कर रही है वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी, ठीक है? तो डेट्स अबाउट अवर सेकंड सेशन.